तो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए और समझिए आप लोग, मैं आपको समझा रहा हूँ। बोलता है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। चलिए इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि ये बोल रहा है कि दो प्लेस हैं ए और बी, ठीक है। ये मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये मान लीजिए दो प्लेस हैं ए और बी, एक हाईवे पे हैं ये, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बताता है क्वेश्चन में। बोलता है ये 100 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार जो है ए से शुरू करता है, यहाँ से शुरू करेगा, एंड अनदर फ्रॉम बी, और एक कार जो है इस बी से शुरू करता है, ठीक है, इस बी से शुरू कर रहा है। अब क्या सेम टाइम याद रखना है ना कि मान लीजिए ये 2 बजे शुरू कर रहा है दिन के, तो ये भी दिन के 2 बजे ही शुरू करेगा, ठीक है, दोनों का टाइम एकदम सेम है, समझ में आ गया। अब बोलता है इफ़ द कार ट्रेवल ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है एट डिफरेंट स्पीड्स। अब कार सेम डायरेक्शन में मतलब जैसे इसी डायरेक्शन में मान लीजिए ट्रेवल कर रहा है, लेकिन दोनों का स्पीड जो है, स्पीड क्या होता है कि यूनिट टाइम में कार जो है या यूनिट टाइम में कोई चीज़ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको स्पीड बोलते हैं, है ना। तो वह जो है अलग अलग है बोलता है, ठीक है, वह जो है अलग अलग है। तो इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स, तो ये 5 घंटे में मिलते हैं। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, यदि वो एक दूसरे के, अब जैसे ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये देखिए जब ये एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी जो आगे चला जाएगा, तो मान लीजिए बी चला जाता है क्यू तक, ठीक है, तो बी कितना डिस्टेंस इसमें ट्रेवल करेगा, बी क्यू, और ए कितना ट्रेवल करेगा, ए क्यू, तो इसमें बी का स्पीड ज़्यादा रहेगा, तभी जो है ना, नहीं, बी का स्पीड कम रहेगा और ए का स्पीड ज़्यादा रहेगा, तभी ए जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके क्यू पे दोनों मिल जाएंगे। कितने देर बाद मिलेंगे, 5 आवर के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो बोलता है कि अगर लोग सेम डायरेक्शन में चलते हैं, है ना, जैसे इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो 5 आवर में मिलते हैं। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के सापेक्ष चले, मतलब ए इधर चले और बी इधर चले, तब वो कितने घंटे मिलते हैं, 1 आवर में मिलते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, तो हमें इसको फाइंड आउट करना है कि दोनों कारों का स्पीड कितना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या मान लेंगे कि लेट स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, इसमें हम लोग किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं। एंड स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर, आरबी का स्पीड हम लोग क्या ले ले रहे हैं, वाई किलोमीटर पर आवर। अब आप इसमें ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब कार ए जो है, कार ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए इक्वल टू ए क्यू, है ना, कार ए से क्यू तक का डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो ए क्यू हो जाएगा। और टाइम कितना ले रहा है, ये भी 5 घंटा टाइम ले रहा है ना। तो इसमें क्या गया, इसका फर्स्ट इक्वेशन आ गया एक्स इक्वल टू ए क्यू अपॉन 5। अब यहाँ पे ए क्यू क्या है, देखिए ए क्यू जो है ना ए बी प्लस बी क्यू है ना, ए क्यू क्या है, ए बी प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाई 5। इसमें ए बी क्या है, ए बी हम लोगों को दिया हुआ है, ये है 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाई 5। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 100 प्लस बी क्यू अपन 5। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस बी क्यू इक्वल टू 5x। एक्स 5 को इधर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो बी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5x-100, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग के पास दो वेरिएबल पहले से हैं, एक्स और वाई, तो बाकी किसी अननोन वेरिएबल को हम लोगों को एक्स वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम दो वेरिएबल के ही को
क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, हम लोगों को थर्ड वेरिएबल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम लोग इक्वेशन वन ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन वन। अगेन अब देखिए, जब ए जो है और बी जो है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, है ना। उसके पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो बी कार है वो कितना, उसका स्पीड और उसका जो टाइम है और उसका जो डिस्टेंस है वो कैसा है। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग को मालूम है कि बी कार का जो स्पीड है वो वाई किलोमीटर पर आवर है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू, उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है बी क्यू, और टाइम वो भी ले रहा है 5, तो बी क्यू डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए, है ना, पुटिंग, अब इक्वेशन वन से हम लोग बी क्यू का वैल्यू फाइंड कर ले हैं, पुटिंग बी क्यू इक्वल टू 5x-100 इन, इसको इक्वेशन टू ले लीजिए, है ना, तो इन इक्वेशन टू। ठीक है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाई इक्वल टू हो जाएगा 5x-100 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो 5 है इधर एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 5y = 5x-100। अब देखिए इसमें 5 कॉमन आ गया, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर तो 5 है ऑलरेडी, 5 × y = इधर 5 कॉमन ले लेंगे, तो 1 से -5, 2 जा 10, 0, अब 5 × 1 = 5, ये कट गया, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, वाई इक्वल टू आ गया 1 से -20। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से -y = 20, तो ये इक्वेशन इसको आप थर्ड ले लीजिए। ठीक है, अब जो सेकेंड केस है उसमें क्या होता है कि कार ए और कार बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम सेम इसी चीज़ को फिर से करेंगे। तो मान लीजिए ये लोग ट्रेवल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये लोग 1 आवर में मिल जाते हैं। ठीक है, 1 आवर में लोग मिल जाते हैं। तो मान लीजिए कार ए जो है 1 आवर ट्रेवल करने के बाद पॉइंट पी पे बी से मिलता है, और बी भी 1 आवर ट्रेवल करने के बाद पॉइंट पी पे ए से मिलता है। ठीक है ना, तो हम लोग अगेन अब डिस्टेंस ट्रेवल बाई, डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेवल्ड बाई कार ए, ये बच्चों ये केस टू है। ठीक है ना, ये केस टू में क्या हो रहा है कि दोनों कार एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी। ठीक है ना, तो हम लोगों को मालूम है ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला से देखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा ये। तो कार का स्पीड क्या है, एक्स, और टाइम कितना ले रहा है, 1, तो इक्वल टू हो जाएगा एक्स किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बी, अब कार बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल टू बी पी, है ना, वो बी पी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला स्पीड इंटू टाइम से, बी कार बी का स्पीड कितना है, वाई किलोमीटर पर आवर, तो वाई इंटू, ए भी 1 घंटा ट्रेवल कर रहा है, वाई इंटू 1 = y किलोमीटर। तो देखिए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है कि जो कार ए है वो एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करते हुए एक्स किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, और वाई जो है वो वाई किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सो प्राइम क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से हम लोग को मालूम है कि ये जो डिस्टेंस बिटवीन ए बी है ना, डिस्टेंस बिटवीन ए बी मतलब ए पी प्लस बी पी इक्वल टू 100 है, 100 किलोमीटर है, ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 हो जाएगा, ये इक्वेशन हो गया हम लोग का 4। अब हम लोग के पास दो इक्वेशन मिल गया, x-y = 20 इक्वेशन थर्ड, और x+y = 100 इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो देखिए प्लस वाई माइनस वाई है, ये खत्म हो जाएगा। अब एडिंग इक्वेशन
विथ इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20 प्लस 100। तो वाई वाई कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 120 आर एक्स इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 6 जा 60 इक्वल टू क्या हो गया ये 60। तो एक्स इक्वल टू 60 आ गया। अब यहाँ पे पुटिंग एक्स इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो हो गया 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, तो माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 60, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 60, इसका वैल्यू होता है माइनस 40। तो वाई इक्वल टू माइनस 40 डिवाइडेड बाई माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो इक्वल टू हो गया 40। तो अब बच्चों इसका आंसर क्या आ गया, आंसर आंसर आ गया स्पीड ऑफ कार ये जो हम लोग को पूछा है ना, स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बच्चों आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह चैनल के ऊपर प्यार बना के रखें, और चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।